हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, ओडिशा के बालासोर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। बालासोर से करीब 40 किलोमीटर दूर आगे कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर एक मालगाड़ी से हो गई। टक्कर के बाद कोरोमंडल ट्रेन के बोगीस पटरी पर से उतर गए। दोस्तों, ये ट्रेन एक्सीडेंट शुक्रवार की शाम को हुआ था। इस एक्सीडेंट में 238 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और लगभग 900 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। ये ट्रेन एक्सीडेंट बहुत बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट है। भारतीय रेलवे के इतिहास में ही सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट माना जा रहा है। इतना भयानक ट्रेन एक्सीडेंट आखिरकार हुआ कैसे, चलिए देखते हैं। रेलवे के वरिष्ठ आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि यह दुर्घटना इतना भयावह नहीं होता यदि सिस्टम कोलैप्स नहीं होता। उनका कहना है कि कोलकाता के शालीमार से कल 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस तय समय पर चल रही थी। सात रंगाची में ट्रेन 4 मिनट की देरी से पहुंची थी। खड़गपुर में भी ट्रेन 3 मिनट की देरी से पहुंची थी। उसके बाद ड्राइवर सतर्क होकर ट्रेन की स्पीड मेंटेन करके चलने लगा। ट्रेन ओडिशा में प्रवेश कर चुकी थी। बालासोर में ट्रेन राइट टाइम पर थी। ड्राइवर वहां से ट्रेन करीब 25 किलोमीटर आगे बढ़ी ही थी कि बहनागाज बाजार की एंट्री पर स्थित पॉइंट्स पर कुछ दिक्कत हुई होगी। इससे ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। यूँ तो दोस्तों, दुर्घटना की वजह का अभी तक रेलवे ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन रेलवे के सूत्र बताते हैं कि इस कोरोमंडल एक्सप्रेस की किसी मालगाड़ी से टक्कर नहीं हुई। हुआ ऐसा होगा कि ट्रेन के कुछ डिब्बे बहनागा बाजार की एंट्री पॉइंट पर डिरेल हुए होंगे। उस समय ट्रेन की स्पीड लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रही होगी। ऐसे में पटरी से डिब्बे उतरने पर भी 400 से 500 मीटर तक जाना आम बात है। इस बीच कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे लूप लाइन और दूसरी मेन लाइन पर आ गए। उसी समय बगल के लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी, उन्हीं पर कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे चढ़ गए। जिस समय यह हादसा हुआ उसकी जानकारी तुरंत ही कंट्रोल तक नहीं पहुंची होगी। उसी समय वहां से 12864 SMVP हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस गुजरने वाली थी। यह ट्रेन 3 घंटे से भी ज़्यादा लेट चल रही थी। यह ट्रेन बहनागा बाजार स्टेशन पर नहीं रुकती थी, इसलिए इसे थ्रू सिग्नल मिला हुआ था। और फिर यह ट्रेन 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हुई डिरेल हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस से भिड़ गई। इस ट्रेन के एक तरफ डिरेल कोरोमंडल एक्सप्रेस की दूसरी तरफ लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी थी। इसी वजह से यह हादसा इतना भयानक हो गया। दोस्तों, NDRF के IG ऑपरेशन नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। अब तक राज्य सरकार ने 238 मृतकों और 900 से अधिक के घायल होने की घोषणा की है। उम्मीद है कि आज शाम तक ऑपरेशन को समाप्त कर देंगे। NDRF की 9 टीमें वहां तैनात हैं। 7 ओडिशा से और 2 पश्चिम बंगाल से टीमों को तैनात किया गया है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि PM नरेंद्र मोदी आज ओडिशा जाएंगे। पहले वह बालासोर में दुर्घटना स्थल का दौरा करेंगे और फिर कटक के अस्पताल का दौरा करेंगे। वहीं पर दोस्तों, भारतीय सेना ने बताया कि आर्मी के जवानों को राहत बचाव के कार्य में लगाया गया है। एम्बुलेंस और सहायता सेवाओं के साथ सेना के चिकित्सा और इंजीनियरिंग टीमों को पूर्वी कमान से तैनात किया गया है। दोस्तों, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने घटनास्थल का दौरा किया और वो जो पैसेंजर्स इंजर्ड हैं उनसे भी मिलने हॉस्पिटल में गए। अभी तक तो सरकारी आंकड़े के हिसाब से 238 लोगों ने इस एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा दी है। आगे ये आंकड़ा कितना बढ़ेगा वो तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। आखिरकार ये गलती हुई कैसे, क्या इस एक्सीडेंट को टाला जा सकता था? अभी तो हाई स्पीड ट्रेनें चल रही है, नए नए वंदे भारत ट्रेन्स का इनॉग्रेशन रन हो रहा है, और दूसरी तरफ ऐसी ट्रेन एक्सीडेंट्स होते रहें तो क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। रेलवेज को ट्रैक्स में इम्प्रूवमेंट लाने की बहुत ज़रूरी है। बहुत पुराने ट्रैक्स हो चुके हैं आज के टाइम पे, उसे चेंज करने की बहुत ज़रूरी है। इस पे रेलवे को विचार करना पड़ेगा। दोस्तों, रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, वो नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।